मराठी साहित्य विश्व के क्रांतिकारी कवि, लेखक और साहित्यिक पद्मश्री नामदेव ढसाळ, इनके निधन से एक फुले शाहू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, बहुत चोट पहुंची है। एक केवल मराठी का ही नहीं, जो भी उन्होंने लिखा शब्दों के द्वारा लोगों के दिलों में आग लगाने का काम नामदेव ढसाळ ने किया। उनके कविताओं की चर्चा केवल देश में नहीं तो विदेशों में भी, उनके कई कविताओं के कविता संग्रह के भाषांतर ट्रांसलेशन दुनिया के कई देशों में हुए, रशियन में हुए, फ्रेंच में हुए, इटली में हुए, इंग्लिश में हुए, तमिलनाडु में हुए, आंध्र प्रदेश में हुए, उनके कविताओं की भाषांतर हुए। ये शब्दों पर जो उनकी हुकूमत थी वो उसकी कोई तुलना हम कर नहीं सकते। एक दलित परिवार में जन्मे हुए नामदेव ढसाळ जैसा आदमी, झोपड़पट्टी में रहने वाला, गंदी बस्ती में रहने वाला, बाबा साहब के विचारों को लेकर समाज में जो विषमता की गंदगी फैली है, जाति भेद की जो गंदगी फैली है, उस निष्ठा के भेदभाव की जो गंदगी फैली है, उसको अपने शब्दों से हटाने का काम नामदेव ढसाळ ने किया। और केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, शब्दों द्वारा तो क्रांति करने का काम किया ही उन्होंने, लेकिन साथ में ही रास्ते पर उतरकर कई आंदोलन का नेतृत्व भी उन्होंने किया। दलित पैंथर का निर्माण उन्होंने किया, दलित पैंथर के संस्थापक अध्यक्ष थे, और उसके साथ साथ एक देश के मराठी साहित्य विषय के जाने माने कवि और लेखक भी थे। कई लेखकों को हमने देखा, कई कवियों को हमने देखा, उनकी कविताएं, ये कवि और लेखक केवल लिखने तक क्रांतिकारी रहते हैं, कविता तक क्रांतिकारी रहते हैं, लेकिन कविताओं की क्रांति को लेकर रास्ते पर उतरकर सामाजिक क्रांति करने का काम बहुत कम लोग करते हैं। ऐसे कम लोगों में नामदेव जी ढसाळ, इनका स्थान जो है ये अग्र बहुत सबसे ऊपर है, ऐसा मैं मानता हूँ। उनके इस असामयिक निधन के वजह से फुले शाहू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक समता के आंदोलन को बहुत बड़ी नुकसान पहुँचा है, और इसीलिए आज जब उनको श्रद्धांजलि देने का मौका आया तो हम क्या कर सकते हैं, इतना ही कहेंगे कि नामदेव ढसाळ हमारा दोस्त था, हमारा साथी था, हमारा आंदोलन का मित्र था, आंदोलन का सहयोगी था। चाहे हमारे विदर्भ का आंदोलन हो, चाहे मराठवाड़ा का आंदोलन हो, चाहे मराठवाड़ा विद्यापीठ का आंदोलन हो, उसमें लगातार इन्होंने हमें साथ दिया। ऐसे हमारे साथियों को जाते इतना ही कहूँगा, नामदेव उजाले तेरी यादों के हमारे साथ रहने दे, नामदेव उजाले तेरी यादों के हमारे साथ रह दे, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हमारी ज़िंदगी की शाम कहीं भी हो, कैसे भी हो, लेकिन नामदेव ढसाळ ने जो अलग जगाया सामाजिक समता का, बाबा साहब के विचारों का अलग जगाया है, वो हमेशा हमारे साथ में ये की तरह जलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पद्मश्री नामदेव ढसाळ को मैं पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से और विदर्भ राज्य संग्राम समिति की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम जी। नामदेव ढसाळ इन द फाइनल स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही वाज सफरिंग विद द मेनी हेल्थ इश्यूज, बट ही डिडंट हैव मच मनी फ्रॉम दलित कम्युनिटी, डिडंट सपोर्ट, इज इट यस यस डेफिनेटली व्हाट यू हैव सेड। जिंदगी भर वो तो बाबा साहब के विचारों का शस्त्र लेकर, शब्दों के शस्त्र बनाकर वो लड़ते रहे और रास्ते में उतर कर लड़ाई करते रहे। कई मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ा,
जब उनकी तबीयत खराब हुई तो इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं था। पद्मश्री थे लेकिन पैसा नहीं था, गौरव था लेकिन धन नहीं था। लेकिन समाज भी, अम्बेडकरी समाज और मराठी साहित्य क्षेत्र के हमारे जो लोग हैं, विविध क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं मान्यवरों ने, उनको काफ़ी मदद की, काफ़ी आर्थिक मदद की, मानसिक रूप से उनको मजबूत करने का काम किया और सभी प्रकार की मदद उनके इलाज के लिए सभी लोगों ने किया, समाज ने किया, सभी लोगों ने किया। वो केवल दलित समाज के लोगों ने नहीं किया, दलित समाज के लोगों ने किया ही, लेकिन साथ साथ नामदेव ढसाल पर प्यार करने वाले जो अनेक लोग हैं उन्होंने भी नामदेव ढसाल के लिए काफ़ी मदद की। दुर्भाग्य से सब होने के बावजूद भी हम बचा नहीं सके, ये हमारा दुर्भाग्य। He sacrificed his life for the Dalit community. This is his contribution for Dalit community. Definitely, every worker working in the Dalit Andolan agitation, नामदेव ढसाल जी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। कई कार्यकर्ता, कई नेता जिन्होंने बाबा साहब के मिशन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ऐसे कई लोगों की लंबी लिस्ट है हमारे पास, उनमें नामदेव ढसाल जैसा एक कार्यकर्ता, एक नेता, एक लेखक, एक कवि, इनकी भूमिका हमेशा अहम रही, बहुत महत्वपूर्ण रही, इस बात को हम कभी भूल नहीं सकते। There is one more. There are some talks about his relationships. What is your opinion? About his relationships, his wife, personal problems. I want to know whether it's an allegation or. नामदेव ढसाल जी ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। उनकी पत्नी मल्लिका जी, वो महाराष्ट्र राज्य निर्माण और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी होनी चाहिए, इसके लिए जो आंदोलन छड़ा 1960 में, तो शहीद अमर शेख इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो शहीद अमर शेख की बेटी मल्लिका, इनके साथ में उनका ब्याह हुआ, ये भी अपने आप में एक अनोखी घटना थी। ये तो इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज था और ये भी सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देने का काम मल्लिका जी से शादी करके नामदेव ढसाल ने किया। और मल्लिका जी का भी नामदेव ढसाल जी के जीवन में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। आखिरी दिनों में जो साथ उन्होंने दिया, जिंदगी में साथ देती रही वो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पैसा हो या ना हो, लेकिन नामदेव ढसाल को संभालने का काम आखिरी क्षण तक उनकी पत्नी मल्लिका जी ने किया, ये हम कभी भूल नहीं सकते। हाँ सर, वन मोर थिंग सर, कवि वन मोर थिंग इज दे से मेनी पीपल से दैट ही इज एसोसिएटेड विद शिवसेना, बट ही वॉज राइटिंग आर्टिकल, बट इवन टुडेज सेरेमनी आई डोंट थिंक एनी आरएसएस और वीएचपी हिंदुत्व पीपल हैव एंटर्ड हियर। सी थिंग इज दैट वो कभी शिवसेना के साथ जुड़े होंगे, कभी नहीं जुड़े होंगे, कभी बीजेपी के साथ जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन सभी क्षेत्र के लोग, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, सभी सामाजिक संगठन के लोगों ने उन पर दिलो जान से प्यार किया है, ये बात हम भूल नहीं सकते। और इसीलिए वो किसी भी प्रभाव में रहे हो, लेकिन बाबा साहब के अम्बेडकर विचारधारा को से कभी दूर नहीं रहे और हमेशा उसको लेकर आगे बढ़ते रहे। तो बाबा साहब के मिशन का एक भीम सैनिक नामदेव ढसाल आज हमने खोया है। मैं पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, विदर्भ राज्य संग्राम समिति की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।